हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है। हम क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें जो एनसीईआरटी का नाइन्थ चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हम वो कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 का ये फिफ्थ क्वेश्चन है और इसमें क्या लिखा है, देखिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिए यहाँ पे काइट का मतलब पतंग है कि ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर वो पतंग है जो उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू पॉइंट टू अ ग्राउंड। तो जिस धागे से या डोर से जो उड़ रही है पतंग, उस धागे को हमने किसी पॉइंट से बांध के रखा है ग्राउंड में, मतलब हमने कोई कील या कोई पत्थर से बांध दिया है और उसको छोड़ दिया और पतंग जो है फ्रीली आकाश में उड़ रही है एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। और ग्राउंड से कितना एंगल बन रहा है पतंग का, ये बन रहा है 60 डिग्री। तो पूछा है कि जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, उसकी लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे इसका फिगर। हम मान लेते हैं ये हमारी जो पतंग है जो क्वेश्चन में पूछा है, ये उड़ रही है स्काई में और इसकी जो हाइट है ग्राउंड से, तो यहाँ हम ग्राउंड से बना लेते हैं, इसकी हाइट दी हुई है 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है और इसमें जो धागा है ग्राउंड का, इस काइट का ग्राउंड से बंधा हुआ किसी पॉइंट पे, मान लेते हैं इस पॉइंट पे बंधा हुआ किसी स्टोन से या किसी और सपोर्ट से, और इसका जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है ग्राउंड से 60 डिग्री है। तो यदि हम इसको ऐसे जोड़ दें तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है। अब सवाल ये है कि ये जो धागा है ये कितना लंबा है। तो ये देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है और जो धागे की लंबाई एक्चुअली इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, हम यूज़ करते हैं साइन थीटा। अब यहाँ पे एंगल 60 डिग्री तो थीटा की जगह साइन 60 ले लेते। साइन 60 होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, और इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है 60। हाइपोटेनियस ये हमको निकालना है तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, यही है लेंथ ऑफ द डोर। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय एक्स। अब साइन 60 की वैल्यू हमको पता है, ये होता है √3/2 और इधर हो गया 60/x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3 विल बी इक्वल टू 60 × 2। अब √3 को हम इसके नीचे ले आएंगे तो 60 × 2 डिवाइडेड बाय √3। अब इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √3/√3। अब 60 × 2 × √3 तो न्यूमरेटर में हो गया, डिवाइड में 3 है, ये इससे 60 से कट जाएगा तो 3 20 या 60 हो गया एंड 22 40 हो गया। तो जो फाइनल आंसर आ रहा है 40√3 और ये होगा मीटर्स में। तो जो लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज 40√3 मीटर।